हाय, आज हम पोहे के परांठे बनाने जा रहे हैं नाश्ते में। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सवा चम्मच के करीब धनिया पाउडर ले लिया है, पांच कलियां लहसुन की हैं, सूखा कड़ी पत्ता है तकरीबन 10 से 12, और दो हरी मिर्चें जिनको मैंने तोड़ लिया। इनको मैं पहले मिक्सी में पीस लूंगी दरदरा, और हमने इसमें पानी नहीं डालना, ऐसे ही पीसना है। तो पहले इसको पीस लेते हैं हम। ये देखिए, ये मेरा मसाला कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है, और मैंने ये 15-20 मिनट तक पोहा भिगो के रखा था। देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया एकदम भिगो के रखने से। अभी अभी छाना है इसको मैंने। तो मेरे पास ये एक कप पोहा है, यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच जितना तेल है सफेद, 1/2 कप आटा है नॉर्मल जो हम रोटी के लिए यूज करते हैं, 1/2 कप बेसन है, 1 प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और मेरे पास ये 2 बड़े चम्मच जितना धनिया है। तो अब इन सबको मिक्स करके मैं आटा गूंद लूंगी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर करना पड़े, जितना कम से कम इस्तेमाल हो सकता है पानी का, वो हम करेंगे। तो इसका आटा गूंदेंगे, साथ में हम इसमें नमक और मिर्च भी डाल देंगे। वैसे तो अगर आप ज्यादा हरी मिर्च डाल दें तो आपको मिर्च डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हमने यहाँ पे खाली 2 ही हरी मिर्च ली है, तो इसीलिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च में रंग थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है और तीखी नहीं होती है इतनी। तो ये मैंने 1 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, और यहाँ पर मैं 1/4 के करीब चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ। अब ये सब चीजों को मैं आपस में मिक्स कर दूंगी, पोहा डाल के, मसाला पोहा सब डालकर आपस में मिक्स करके, और इसका आटा गूंद लेंगे। एक चीज और भी आपको मैं बताना चाहूंगी, वो ये कि अगर आप चाहें तो इसमें और सब्जियां मिला दे सकते हैं, जैसे सीजनल जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, गाजर कद्दूकस कर ली, थोड़ा बहुत आप बंद गोभी डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल्स जो आप इसमें मिक्स करना चाहें वो कद्दूकस करके मिक्स कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर रात को आपकी कोई सब्जी बच गई है जो अब यूज नहीं होगी तो, और ठीक ठाक पड़ी है, तो आप वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं मैश करके। तो रात की बची हुई सब्जियां भी डाल देंगे तो भी और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस पराठे का। तो मैं, मेरे पास थोड़ा सा लौकी की सब्जी बची हुई है, मैं वो भी इसमें मिक्स करूंगी और फिर इस आटे को मैं गूंदूंगी। ये देखिए, मेरे पास जो लौकी की सब्जी पड़ी थी 2 बड़े चम्मच के करीब थी, उसको मैंने मिक्सी में ही पीस लिया है, और मैं इसके अंदर पोहा भी डाल देती हूँ, प्याज और धनिया भी डाल देंगे और इसको आटे की तरह भून लेंगे। अगर बाय चांस हमें पानी की जरूरत पड़ी तब हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से सबको पहले मिक्स कर लेंगे और फिर आटे की तरह भून लेंगे। नमक मिर्च वगैरह हमने सब डाल ही दिया, अब चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये चिपचिपा सा बनेगा आटा, क्योंकि ये पोहा है तो पोहा थोड़ा चिपचिपा सा होता है। और मैंने जिस मिक्सी में ये मसाला बनाया था और लौकी पीसी थी, उसी में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया, ताकि बाय चांस अगर पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा वही मसाले और लौकी वाला पानी हम यूज कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है पानी, जब भी डालना होगा तो 1 बड़ा चम्मच जितना डाल डाल के, और हम इसको धीरे धीरे से गूंद लेंगे। ये मुझे लगता नहीं है कि इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छे से गूंद रहा है, देखिए आटे की तरह पानी की जरूरत लगता नहीं है पड़ेगी। तो इसको अब अच्छे से गूंद लेते हैं आटे को। ये हमारा आटा तैयार हो गया, देखिए। अब ये क्योंकि थोड़ा स्टिकी आटा होता है, जैसे मैंने कहा ये चिपचिपा सा होता है, तो इसको हम डायरेक्टली उस पर चकले बेलने पर नहीं बना सकते। तो देखिए, हमने एक पॉलिथीन लिया, आप कोई भी चाहे ब्रेड का पॉलिथीन या कोई भी पॉलिथीन ले सकते हैं, इसके ऊपर डाल के और पॉलिथीन इसके ऊपर पलट के फिर इसको हमें बेलना पड़ेगा। चाहे आप चकले से बेलें, चाहे आप हाथ से करें,
तो हम इसको अभी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ऑयल लगा लिया है इस पे पॉलिथिन पे। अब पेड़ी बनाएंगे इसकी थोड़ी बड़ी, और इसको हाथ से ही, हाथ में भी ऑयल लिया अच्छे से, हाथ से इसको पेड़ी बनाने के बाद फिर हम फैलाएंगे धीरे धीरे। हल्का सा ऑयल कम लगे तो हाथ पे लगाकर और फैला लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं दबाना है क्योंकि जितना दबाएंगे वो चिपक जाएगा। तो ये हमारा ठीक बन गया है साइज। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। ये देखिए तवा गरम हो गया, हमने हल्का सा इस पे तेल डाल दिया, फैला देंगे और फिर ये हाथ से उठा के धीरे धीरे और तवे पर सीधा सीधा डाल देंगे। अब इसको हमने मीडियम सेफ पर पकाना है। नीचे तेल लग चुका है, जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा एक डेढ़ मिनट मीडियम सेक पर, तब हम इसको ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के पलटेंगे और दो तीन बार हमें उलटना पलटना पड़ सकता है। तो एक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये देखिए ये है, और ये हमारा फाइनल पराठा बना हुआ है। आप इसको चटनी या सॉस या दोनों ही के साथ सर्व कर सकते हैं, और बनाइए जरूर आप घर में, खा के देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्लीज जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलेंगी और जब भी हम कुछ नया बनाएंगे तो आपको उससे पता चलता रहेगा। तो ये हमारा फाइनल बनके तैयार है, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से पकने लगा है, तो हम ऊपर से ऐसे कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे और इसको धीरे धीरे देखते हैं अगर पलट सकते हैं तो। ये हल्का सा लाल हो गया, ऐसे दो तीन बार लटना पलटना पड़ेगा इसको, और रेड करके आप बिल्कुल जैसे ऐसा ये हो गया है ऐसे करके सर्व कर दीजिए। इसको प्लेन खा भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चटनी या सॉस के साथ ही खाएं। आप प्लेन खाना चाहें तो आप इसको प्लेन भी खा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कम बैक अगेन फॉर अ न्यू वीडियो।